नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 10 अगस्त 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। सो आज का हमारा पहला न्यूज है केरला टू केरलम। रिसेंटली केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये डिस्कशन या डिबेट हुआ है कि दे आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द केरला, मीन्स फ्रॉम केरला दे वॉन्ट टू चेंज द नेम टू केरलम। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझते हैं आज इसको। क्या है हिस्ट्री, क्या थी केरला की, कब बना था केरला और आखिर नाम केरला आया कहाँ से, तो लॉट टू नो। चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली अनोनिमस रेजोल्यूशंस टू रीनेम द स्टेट एज केरलम इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड हैज स्पार्क डिस्कशंस अबाउट द हिस्टोरिकल ओरिजिन्स ऑफ द नेम एंड प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग ऑफ स्टेट इन इंडिया। सो इसमें दो तीन चीज़ें हम लोग डिबेट निकल के आ रहा है कि आखिर केरला का हिस्टोरिकल नेम क्या था, केरलम कहाँ से ये वर्ड आ रहा है और वट आर द वेज ऑफ रीनेमिंग द नेम ऑफ ए स्टेट। तो पॉलिटी पार्ट वन, आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अलॉट। तो रीनेमिंग केरला, पहले इसको समझते हैं। रेजोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अनोनिमसली डिसीजन ये लिया गया है कि द केरला असेंबली लेड बाय द सीएम खुद इसको मूव किए थे, पास द रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू रीनेम द स्टेट एज केरलम इन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड। सो केरला के सीएम ने बकायदा और रेजोल्यूशन लिया कि दे रिक्वेस्टेड द सेंटर गवर्नमेंट टू रीनेम द केरला एज ए केरलम इन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। लैंग्वेज बेसिस पर द रेजोल्यूशन हाईलाइट्स दैट द मलयालम नेम ऑफ द स्टेट इज केरलम। तो रीज़न ये दिया गया है कि स्टेट जो मलयालम, क्योंकि वहाँ पर केरला में मलयालम बोली जाती है, तो मलयालम के नाम के अकॉर्डिंग बेसिकली केरला को केरलम ही बोला जाता है। एंड स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑन नवंबर 1, 1956। तो याद रखिएगा नवंबर 1, 1956 को केरला एक लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना था, बेसिकली फ्रॉम द मद्रास। एंड द रेजोल्यूशन सीक अलाइनमेंट बिटवीन द मलयालम नेम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और मलयालम नेम का अगर देखा जाए तो बेसिकली दिस नेम कम्स फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द केरला नेम कहाँ से, तो फिर ये केरला कहाँ से आया है नाम जो है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो केरला हमारे अशोका एडिक्ट से निकल के आया है। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मेंशंस ऑफ केरला इज इन एम्पायर अशोका रॉक एडिक्ट्स टू ऑफ 257 BC, वेयर द लोकल रूलर्स इज रेफर्ड एज केरला पुत्र। मतलब उस रीजन में जो लोकल रूलर्स हैं उनको केरला पुत्र बोला जाता है, या सन ऑफ केरला एंड सन ऑफ चेरा फ्रॉम द चेरा डायनेस्टी। तो आपको मालूम होगा कि केरला में चेरा डायनेस्टी के डायनेस्टी रूल कर रही थी। एंड केरलम फ्रॉम चेरम, सो स्कॉलर्स स्पेकुलेट दैट केरलम कुड हैव डिराइव फ्रॉम द चेरम, दैट इज डॉक्टर हरमन गोंडट, ए जर्मन स्कॉलर, प्रपोज दैट केरम इज द कैनरीज, मीन्स कैनेडा, फ्रॉम फॉर्म ऑफ चेरम, सजेस्टिंग दैट केरलम कुड मीन द रीजन बिटवीन गोकरनाम एंड कन्याकुमारी। तो गोकरनाम और कन्याकुमारी के बीच में जो रीजन पड़ रहा है उसको ही क्या नाम होता है, केरलम या चेरम जिसको बुलाता है, जिसको बेसिकली ज्वाइनिंग बोली जाती है, या रूट चेयर मींस मीनिंग टू ज्वाइन। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसका प्लेसेस के हिसाब से भी इसका नाम वो लोग कह रहे हैं कि इट इज़ केरलम। और बेसिकली मलयालम अगर एंगल दिया जा रहा है तो मलयालम के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी केरला को वो केरलम बोली जाती है। और केरला जो टर्म है वो बेसिकली हम अशोका के रॉक एडिक्ट में मिला था, रॉक एडिक्ट 257 BC में। तो ये कुछ डिबेट चल रहा है आपका केरला और केरलम के नाम पे। नेक्स्ट, प्रोसेस क्या है। खैर ये तो रही हिस्टोरिकल बातें, बट व्हाट आर द प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि कैसे किसी स्टेट का नाम आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, बेसिकली दिस आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इट डील्स विद द नेम एंड द यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और बेसिकली आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, बेसिकली आर्टिकल 3 के अंदर भी इसका प्रोविजंस है कि कैसे आपको चेंज करना है नाम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल्स, पहले तो द प्रपोजल्स टू रीनेम ए स्टेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिव्यू द प्रपोजल्स एंड सीक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेरियस एजेंसीज। ऑब्वियस सी बात है, MHA नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा बहुत सारे एजेंसीज से।
एंड सेंटर्स अप्रूवल अनलाइक रिनेमिंग सिटीज रिनेमिंग ए स्टेट रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA एंड देन एक तो पहले अप्रूवल आ जाएगा MHA से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 3 एंड अंडर आर्टिकल 4 ठीक है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस चेंज अंडर आर्टिकल 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ध्यान रखिएगा ये शेड्यूल 1 में भी चेंजेस होगा क्योंकि वो नाम चेंज करना पड़ेगा ना तो शेड्यूल 1 में भी इसका चेंजेस होगा तो 3 और 4 के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो रहा है एंड दिस बेसिकली ये जो चेंज ध्यान रखिएगा ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है सब ध्यान रखिएगा दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज बेसिकली डन बाय द सिंपल मेजोरिटी सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल होने के बाद इफ एक्सेप्टेड द प्रपोजल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल इन द पार्लियामेंट एंड अपन बिकमिंग लॉ द स्टेट नेम इज ऑफिशियली चेंज तो ये कुछ प्रोसेस है स्टेट का नाम बदलने के लिए गेटिंग इट आपको समझ में आया होगा ठीक है तो दिस इज रिगार्डिंग द चेंजिंग द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट दूसरा एक और प्रोविजन से वहाँ चल गया रहा दैट इज डिमांड फॉर यूनिफाइड स्टेट अक्या केरला मूवमेंट जो 1920s में स्टार्ट हुआ था अक्या केरला मूवमेंट गेंड मोमेंटम एडवोकेटिंग फॉर ए यूनिफाइड स्टेट ऑफ मलयालम स्पीकिंग पीपल इट एम टू इंटरग्रेट मलाबार कोची एंड त्रावणकोर इनटू ए सिंगल टेरिटरी तो ये अक्या केरला मूवमेंट हो सकता है क्वेश्चन आए 1920 में एंड दिस वॉज बेसिकली इन द प्रपोजल्स इनटू ए सिंगल टेरिटरी कल्चरल यूनिटी भी है द मूवमेंट वॉज ड्रिवन बाय द शेयर लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशंस हिस्ट्री एंड कस्टम ऑफ द मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन तो मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन के जो लोग हैं एक इंटीग्रिटी वगैरह चाह रहे थे सो अब मॉडर्न स्टेट कैसे बना फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न केरला के बारे में बोला जाए तो त्रावणकोर कोचिंग स्टेट जो था इन 1945 त्रावणकोर के राजा एंड त्रावणकोर एंड कोची मर्ज फॉर्मिंग द त्रावणकोर कोचिंग स्टेट एंड स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन जो बैठा था द स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ केरला एज ए स्टेट ऑफ मलयालम स्पीकिंग पीपल एंड द इंक्लूजन ऑफ मालाबार एंड कासरगोड एंड द एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन एरियाज वेयर प्रपोज्ड सो बर्थ ऑफ केरला ऑन नवंबर 1, 1956 स्टेट ऑफ केरला वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड एंड इट रेफर्ड टू एज केरलम इन मलयालम एंड केरला इन इंग्लिश ठीक है तो केरलम मलयालम में इसको केरलम बुलाता है जबकि इसको इंग्लिश में केरला बोला जाता है तो बेसिकली अभी डिमांड यही चल रही है कि भाई अभी केरला बोल के नहीं होगा आप केरलम ही रखिए पूरे जगह आपने बहुत सारे और भी चीज़ें चेंज भी हुई थी जैसे पौंडीचेरी को पुडुचेरी किया गया था ठीक है तो बहुत सारे और भी स्टेट्स के नाम बदले हुए हैं सो फिलहाल के लिए दिस इज केरला एंड केरलम होप आपको समझ में आएगा सो जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं कमेंट में आप हमें लिख के बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ठीक है तो होप देखते हैं कितने लोग लिखते हैं इसको चलिए अपना अगला जो न्यूज़ है वो है असम राइफल से रिलेटेड रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंट जो मणिपुर में प्रोटेस्ट या उसमें जो मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुई है उसमें असम राइफल अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बट इस कंडीशंस के दौरान इनके ऊपर में कुछ एलिगेशंस भी लगे हैं एंड रिसेंटली फिलहाल यहाँ पर एक इनके ऊपर में एक FIR भी रजिस्टर्ड हुआ है ऐसा क्यों है क्या हुआ था असम राइफल के संग थोड़ा समझते हैं इसके डिटेल में प्लस वी विल ऑल्सो गो थ्रू द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ असम राइफल असम राइफल अगर बोला जाए तो बहुत ही पुरानी एक रेजिमेंट है और ये बहुत ही डेडिकेटेड और रेस्पेक्टेड यूनिट है हमारे इंडियन आर्मी की सो पहले न्यूज़ समझते हैं न्यूज़ क्या है देखिए रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सीज इनकाउंटर्ड इन मणिपुर एक तो एक्विजिशंस एंड स्केप्स इनके ऊपर में आया है दैट इज मणिपुर पुलिस फाइल्ड एंड FIR अगेंस्ट द असम राइफल मतलब मणिपुर की जो पुलिस है उन्होंने असम राइफल्स के ऊपर में एक FIR रजिस्टर्ड किया है एलिजिंग हिंड्रेंस इन देयर ड्यूटीज मतलब असम राइफल्स पुलिस को वहां पर अपना काम करने नहीं दे रही है द असम राइफल इज एक्यूज ऑफ अलाउइंग सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स टू इवेड कैप्चर ठीक है कुकी जो एलिमेंट्स है मतलब कुकी जो मिलिटेंट्स हैं उनको निकलने में असम राइफल्स हेल्प कर रही है ए वीडियो शोइंग द टेंस एक्सचेंज हाईलाइट कंसर्न ऑफ कंक्लूजंस एंड देयर इज अ वॉइस ऑफ डिसकंटेंट डिमांड टू रिमूव असम राइफल फ्रॉम मणिपुर हैव अराइजन विद द मियारा बाइबीज डिमांडिंग देयर एग्जिट एंड द स्टेट BJP राइटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर एलिजिंग बायसेस दिस इवेंट्स अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ असम राइफल प्रेजेंस इन द रीजन तो असम राइफल्स का जो रीजन में जो प्रेजेंस है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से धक्का पहुंच रहा है गेटिंग इट
तो ये एक्चुअली में मणिपुर की पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया असम राइफल के खिलाफ। और थोड़ा समझते हैं असम राइफल के बारे में। तो असम राइफल का एक यूनिक रोल रहा है, ये सीएपीएफ के अंदर में आते हैं। असम राइफल इज़ वन ऑफ द सिक्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एमएचए के अंदर में आता है। इट सेफ गार्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, द इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड असिस्ट द इंडियन आर्मी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा, मिलिट्री की यूनिट तो नहीं है, बट यस इट इज़ ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जबकि मिलिट्री किस में आती है, मिलिट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं इंडियन आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, प्लस ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को सेफगार्ड करते हैं और इंडियन म्यांमार बॉर्डर को, इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो थोड़ा याद रख लीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसको हमारा बीएसएफ माउंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंडिया और बांग्लादेश, ये भी बॉर्डर बीएसएफ देखता है। इंडिया और चाइना, ये हमारी आईटीबीपी की यूनिट देखती है। और इंडिया और म्यांमार की जो यूनिट्स होती है वो हमारा असम राइफल्स देखता है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड असिस्ट द इंडियन आर्मी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ऑपरेशनल ड्यूटी ड्यूअलिटीज क्या है? यूनिक असम राइफल ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑपरेशनल कंट्रोल अंडर द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब ऑपरेशन का जो कंट्रोल इनको करता है वो इंडियन आर्मी करता है। दिस सेट इट्स अपार्ट फ्रॉम द अदर सीएपीएफ। तो कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है कि आखिर ये शायद असम राइफल्स आर्मी की यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्मी की नहीं, हमारा ये सीएपीएफ की यूनिट होती है। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन एंड लीडरशिप विथ ओवर 63,000 पर्सनल। ध्यान रखिएगा, इसमें 63,000 पर्सनल्स है अक्रॉस 46 बटालियंस। ठीक है, 46 बटालियन है इनकी। एंड असम राइफल फॉलोज ए रेजिमेंटेड स्ट्रक्चर सिमिलर टू द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की जैसे रेजिमेंट का स्ट्रक्चर होता है वैसे ये लोग भी फॉलो करते हैं। एंड इट्स सीनियर रैंक्स आर मैंड बाई आर्मी ऑफिसर्स, मतलब इनका जो सीनियर रैंक होता है वो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। एंड द ऑफिस एंड द फोर्स इज कमांडेड बाई एन इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल, और इसकी जो फोर्स को कमांड करता है इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है असम राइफल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी, इंटरनल सिक्योरिटी वाले पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीलिम्स के लिए तो खैर है ही। नेक्स्ट, डिबेट क्या है कंट्रोल के ऊपर में? टग ऑफ वॉर, ऑब्वियसली बात है, बोथ एमएचए एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिजायर फुल कंट्रोल ओवर असम राइफल्स। एमएचए बोलता है कि हमें पूरा कंट्रोल दे दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलता है हमें दे दीजिए। असम राइफल्स एंड एमएचए आर्ग्यूज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर गार्डिंग कोऑर्डिनेशन व्हाइल द आर्मी बिलीव्स इन मेंटेनिंग द करेंट सिस्टम विच हैज़ वर्क्ड वेल। प्रपोज पास प्रपोजल्स क्या है? इन 2013 एंड 2019 डिस्कशंस वर हेल्ड टू मर्ज असम राइफल्स विद पीएसएफ एंड आईटीबीपी रेस्पेक्टिवली। द आर्मीज डिजायर फॉर कंट्रोल हैज लेड टू द ऑनगोइंग डेलिबरेशंस। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो आर्मी की जो मतलब डिमांड है कि हमें असम राइफल्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने दीजिए, तो ये थोड़ा डिबेट चल रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग द डिबेट ओवर द असम राइफल्स प्रोविजंस। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अपने अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डाइवर्टेड फंड्स फ्रॉम द नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर पब्लिसाइजिंग सम ऑफ देयर अदर्स स्कीम। दिस हैज़ हाईलाइटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द एनएसएपी फ्रॉम 2017 एंड 18 टू 2020-21 टेबल्ड इन द लोकसभा रिसेंटली। तो सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया था एनएसएपी के बारे में, उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017-18 से लेके 2020-21 तक एनएसएपी का जो फंड था उस फंड को कहीं और डाइवर्ट किया है एड्स के लिए या पब्लिकेशंस के लिए, या मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पब्लिसाइजिंग अदर स्कीम्स, जबकि वो पैसा एनएसएपी में लगना चाहिए था। समझते हैं थोड़ा क्या है एनएसएपी के बारे में बोला जाए। इट वॉज लॉन्च इन 1995 एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल्स, टू द एल्डरली, विडोज एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड बेवर्ड फैमिलीज ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर्स इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन। एक तरह का पेंशन दिया जाता था। एंड इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 41 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिक डिसेबलमेंट एक्सेट्रा विद इन लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। तो आर्टिकल 41 ऑब्वियस सी बात है जो डीपीएसपी है वो कहता है कि सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू दोज पर्सन हु इज इन नीड। कंपोनेंट्स के बारे में बोला जाए एनएसएपी का तो एट इट्स इंसेप्शन एनएसएपी हैज थ्री कंपोनेंट्स नेमली नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ठीक है द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम वॉज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2001 एंड प्रेजेंटली एनएसएपी कंप्राइज ऑफ फाइव स्कीम्स। पांच स्कीम एनएसएपी के अंदर में आता है कौन कौन सा है थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम्स लॉन्च्ड इन 2009, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2009 एंड नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम अलोंग विद अन्नपूर्णा लॉन्च्ड इन 2000। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर में एलिजिबल एज इज 60 ईयर्स पेंशन इज रुपीज 200 पर मंथ फॉर पर्सन बिलो 60 to 79 ईयर्स फॉर पर्सन हु आर 80 एंड अबव द पेंशन इज 500 पर मंथ। ठीक है तो 500 रुपया 80 साल से ऊपर वाले लोगों को और 200 रुपया 60 से लेकर 79 ईयर तक। दूसरा जो है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम्स के बारे में बोला जाए तो इट वॉज लॉन्च इन 2009। एलिजिबल कंडीशन 40 ईयर्स है पेंशन इज रुपीज 300 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 80 एंड द बेनिफिशियरी विल गेट 500 पर मंथ। तो 40 के ऊपर में उतना और 80 के जैसे क्रॉस करता 500 हो जाएगा। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम लॉन्च इन 2009। एलिजिबल एज फॉर पेंशनर इज 18 ईयर्स एंड अबव एंड डिसेबिलिटी लेवल शुड बी 80% एंड अबव। ड्वार्फ आर ऑल्सो एलिजिबल अमाउंट रुपीज 300 पीएम एंड अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑफ रुपीज 500। नेशनल फैमिली स्कीम्स जो है रुपीज 20,000 विल बी गिवन एज ए लमसम असिस्टेंस टू द बीवर्ड हाउसहोल्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द ब्रेडविनर। अगर कोई ब्रेडविनर मर जाता है तो उसको 20,000 रुपया दिया जाएगा। अन्नपूर्णा लॉन्च इन 2000 इसका 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इज गिवन पर मंथ पर बेनिफिशरी एंड द स्कीम प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी फॉर दोज एलिजिबल ओल्ड एज पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड इन इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं आपके एनएसएपी का, होप आपको समझ में आएगा। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, काइंडली कीप द स्क्रीनशॉट, ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से रिलेटेड। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है कि इंडिया विल बी ए क्लीन एनर्जी देयर विल बी ए क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, उसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हेवी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से अच्छा है ये छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को यूज़ किया जाए। क्या है समझते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफर इंडिया ए प्रोमिसिंग सोल्यूशन टू ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड अचीव इट्स एम्बिशियस क्लीन एनर्जी गोल। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आर ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन दैट एम्स टू ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल लार्ज स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर। छोटा होता है, आराम से मूव कराया जा सकता है और इसको कहीं बनाने की जरूरत नहीं होती है। दे आर कैरेक्टराइज बाय देयर स्मॉल साइज मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस एंड पोटेंशियल फॉर इनहेंस सेफ्टी फीचर्स। दे आर डिजाइन टू बी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफन विथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ 30 मेगावाट और लेस 300 मेगावाट और उससे कम का आप इसका इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट्स 10% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सिग्निफिकेंटली रिडक्शंस नेचुरल गैस डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी के बारे में बोला जाए प्रोवाइड्स स्टेबल 24/7 पावर इन ऑल वेदर कंडीशंस एडिंग ग्रिड स्टेबिलिटी मोर इफेक्टिवली देन वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स उससे कई गुना ज़्यादा ये स्टेबिलिटी रहता है। जॉब क्रिएशंस एंड को बेनिफिट न्यूक्लियर पावर ऑफर हाई स्किल जॉब्स एंड बेनिफिट्स इन द टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट डीकार्बोनाइजेशन चैलेंज और उसका रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एक तो होगा, ये कम होगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड विद सोलर एंड विंड अलोन ऑफन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी।
इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्म पावर जनरेशन टू अचीव रिलायबल ग्रिड ऑपरेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिच सिस्टम द इंटीग्रेशन ऑफ एटलीस्ट वन फर्म पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल. नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोला जाए तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कैन ऑपरेट फॉर डिकेड्स विथ हाई कैपेसिटी फैक्टर्स एक्सीडिंग 90% कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशंस. कॉस्ट ट्रेंड्स के बारे में बोला जाए तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ SMR इज इन द US आर अराउंड 6000 पर मेगावाट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर बाई 2030 विथ इंक्रीजिंग डिप्लॉयमेंट. तो जितना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगा उतना ही इसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट एड्रेसिंग NPP चैलेंजेस. तो टू काउंटर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल NPPs मेनी नेशंस आर डेवलपिंग SMR विद कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 मेगावाट. बेनिफिट क्या है, जैसे वही कहा, इन्हेंस सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी फीचर्स, रिड्यूस स्पेंड फ्यूल स्टोरेज, वो उसका झमेला खत्म, एंड ब्राउन फील्ड साइट यूटिलाइजेशन. तो इन्हेंस सेफ्टी में देखा जाए तो SMR फीचर्स लो कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन रिस्क कंपेयर टू कन्वेंशनल NPPs. पैसिव सेफ्टी फीचर्स के बारे में बोला था, सिंपलर होता है डिजाइन एंड पैसिव सेफ्टी मेजर्स रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर अनकंट्रोल्ड रेडियो एक्टिव रिलीज. नहीं हो पाता इससे, मतलब डैमेज नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि अनकंट्रोल्ड रेडियो एक्टिव रिलीज होगा. रिड्यूस स्पेंट फ्यूल स्टोरेज, SMR प्रोड्यूस लेस स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, ईजिंग स्टोरेज कंसर्न. ब्राउन फील्ड साइट यूटिलाइजेशन, SMR कैन रीपर्पज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमाइजिंग लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट इशूज. तो दिस इज रिगार्डिंग द SMR एंड आउटपुट. नेक्स्ट इंडियाज पाथ टू नेट जीरो विथ SMR की एनर्जी गोल. इंडियाज एम टू इंक्रीज कोल बेस्ड थर्मल पावर कैपेसिटी एंड एक्सपैंड वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाई 2070. SMR as a catalyst, integrating SMR into thermal power plant sites can boost net zero efforts and enhance energy security. तो ये help कर सकता है SMR हमारे. So this is regarding the India's path to net zero with small modular reactors. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही. If you want the PDF lecture of this video, you can always download it from our Telegram channel, as well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube channel for such other video content. We have also started our UPSC and other state PCS foundation batches, both at online and offline formats. So for offline, you can visit the centers in these particular cities, and for online, you can call from any cities of India in this number. This is All India Helpline number. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video content. Take care.